रोटी से बनता है। पुश हो गया था बस, बन तो रहा है। हटाओ चोरी का मामला है, किसने कार्रवाई की है? ये बहेड़ी में, बहेड़ी से कीछा की तरफ जो रेलवे लाइन जाती है उसमें कुछ रेलवे को पटरी लगाने के समय जो यूज़ होती है क्लिप्स, उन क्लिप्स की चोरी का जानकारी हमें रेलवे इंजीनियर साहब की तरफ से दिया गया, तो हमने इस पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया है 150 रेलवे अधिनियम के अंतर्गत, जिसमें कि ये जो क्लिप्स चोरी हुई है जिनकी वजह से कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, इसकी जानकारी भी की जा रही है कि ये किस तरह के लोग हैं, कहाँ से आए, दो लोगों के संदिग्ध लोगों के बारे में बताया भी जा रहा है जो रेलवे विभाग ने हमें जानकारी दी है, और इन तरह के लोगों को हम लोग पूरी जानकारी करेंगे कि ये कहाँ बेचते हैं, किस तरह से ये लोग चोरी करते हैं, कौन ये लोग हैं, और इसमें पूरी पता रसी सुराग रसी करके इस घटना का जल्द से जल्द खुलासा किया जाए। क्या लगता है कि आतंकी वारदात तो नहीं है, कहीं उनकी गर्जन से ज़्यादा ट्रेन निकलती है आती आती, कहीं कोई बड़ी वारदात की बात नहीं हो? जिस तरह से अभी हम लोग के संज्ञान में जिस तरह से बताया गया है कि दो लोग देखे गए थे मोटरसाइकिल से आए थे जो स्मैकिए या जुआरी टाइप लग रहे हैं, इसमें इस तरह की कोई बात नहीं लग रही, लेकिन इसमें हम पूरा ध्यान रखेंगे कि इस तरह की कोई बात अगर है तो उसमें पूरी जानकारी की जाए और इस तरह की जानकारी करके इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की। कितने टीम, कितने लोग बनाए? हाँ, इसमें तीन टीमें गठित की गई हैं, एक थाना अध्यक्ष के लेवल पे, एक सीओ साहब के लेवल पे और एक एसपीआर एमएलए लेवल पे भी है, और हम लोग इसमें पूरी तरह से लगे हैं, और हम लोग उत्तराखंड से भी संपर्क कर रहे हैं, वहाँ की पुलिस से भी संपर्क करके इसमें जल्द से जल्द इसका खुलासा करें।